हेलो एवरीवन, आज मैं साउथ और नॉर्थ दो डिशेस लेके हाजिर हूँ। देखिए, साउथ की जो डिश मैं बना रही हूँ उपमा, जिसके लिए मुझे हाफ बाउल सूजी, सेमोलिन जिसे बोलते हैं, बोले लीजिए, चाहे आप मोटी पतली कुछ भी चलेगी। और दूसरी, मैंने पैन रख लिया है, एक चम्मच घी डाल लिया था। अब मैं इसको रोस्ट करूँगी, इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको भूनूंगी। कई इसको हाफ गोल्डन ब्राउन आने तक भूनते हैं, कई इसे ड्राई रोस्ट करते हैं, बट मैं इसको घी डालकर ही रोस्ट करती हूँ। इसका कलर और महक बहुत औसम हो जाता है। चलिए, मैं इसका तड़का तैयार कर लेती हूँ। तब तक जब ये देखिए, मैंने एक ऑनियन, दो टमाटर और ग्रीन चिली कट करके रख लिया है। अब मैं अपना कढ़ाई चढ़ा के इसमें तो ऑयल ऐड कर लिया, इसमें मस्टर्ड सीड ऐड कर लूँगी इसमें तड़के के लिए। उसके बाद मैं इसमें ऑनियन भुनने के लिए ऐड कर लूँगी, देखिए। और दूसरी तरफ में जो सूजी मेरी ड्राई करने के लिए, रोस्ट करने के लिए रखी थी, उसको मैंने बाउल में निकाल लिया, जो बहुत अच्छा कलर आ चुका है। और उसी पैन में मैं पानी चढ़ा दिया है बॉइलिंग के लिए, जो मेरी उपमा में काम आएगा। यहाँ देखिए, मैंने अभी इसमें टमाटर ऐड कर लिए हैं अपने प्याज के साथ। अब मैं टमाटर को पहले अच्छे से गला लूँगी, बहुत अच्छे से गला लूँगी इसको मैं, देखिए मैं। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा लिड लगा के इसको पकाऊँगी, जो कि टमाटर अच्छे से गल जाए और मेरा टमाटर प्याज अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। मैं लिड लगा लेती हूँ, गैस मेरी सेम है। इसके बाद मैं इसमें अपने मसाले ऐड करूँगी। वहाँ मेरे पानी में बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है, अच्छे से बॉईल आने दीजिएगा पानी में। यहाँ मैं मसाले ऐड कर चुकी हूँ, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, जो हम रेगुलर हमारे मसाले यूज़ होते हैं, स्वाद अनुसार नगवा नमक डाल दीजिएगा। ये देखिए, मैं अब इसमें जो मेरी भुनी हुई सूजी थी वो ऐड कर ली है मैंने। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसके साथ, जो कि ये सूजी आपको लगे ही नहीं, सूजी देखिए बिल्कुल मिक्स हो चुकी है, दानेदार सूजी बन के दिख रही होगी आपको, दानेदार है इसके अलग अलग। और इसमें मसाले भी ऐड हो चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। अब मैं इसमें जो मैंने पानी में जो मैंने बॉईल करके रख लिया था वो पानी ऐड कर लिया है। अब इसे अच्छे से पकने दूंगी इसको, एक बार लिड लगा के भी पका लीजिएगा 5 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसको अच्छे से घुमा लिया है, देखिए पूरा अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें आप अपनी कोई भी वेजिटेबल या काजू ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं इसको बाउल में निकाल लिया, देखिए कितना यम्मी एंड डिलीशियस उपमा बन के रेडी है। इसमें ऊपर से आप धनिया गार्निश के लिए डाल दीजिए, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी उपमा आपका ब्रेकफास्ट बन के रेडी है। चलिए दूसरी डिश स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने ये गहत की दाल ली है। उत्तराखंड में इसको गहत बोलते हैं, और कहते हैं दिल्ली वगैरह में इसको कुल्थी या गहत शायद ये बोलते हैं। उत्तराखंड की ये बहुत फेमस दाल है। ये दाल के साथ साथ एक मेडिसिन है हमारे स्टमक के लिए। इसका अगर हम पानी भिगो के पिए तो हमारे स्टमक के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये दाल कितनी फ़ायदेमंद होगी, चलिए वीडियो स्टार्ट, मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। जिसके लिए मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था, और यहाँ मैंने पानी में डिप कर लिया इसको। अब इसको 2 घंटे के लिए रख दीजिएगा। अगर आप भूल गए हैं तो आप इसको गर्म पानी ऐड कर लीजिए और आधा एक घंटा इसको रख लीजिए। और साथ में मैंने लहसुन और हरी मिर्च रख ली है कुछ, मैं जो 4-5 लहसुन है वो मैं कट करके डालूंगी, और बाकी मैं हरी मिर्च और लहसुन को इसको इसके साथ मिक्सी में पीस लूँगी अच्छे से। देखिए, मैंने मिक्सी डाल के दोनों तीनों चीज़ों को ऐड कर लिया है, हरी मिर्च, लहसुन और अपनी दाल। और बाकी मैंने 4-5 जो कलियाँ थी लहसुन की थी वो अलग कर दी है, वो मैं तड़के में यूज़ करूँगी। ये देखिए, मेरा दाल पीस के तैयार है, लहसुन कट कर चुकी हूँ। चलिए कहते बना मैं, और ये उत्तराखंडी डिश है तो ऑब्वियसली लोहे की कढ़ाई में ही तो बनेगी, आयरन भी तो चाहिए। और कढ़ाई रख दी है, देखिए कितना थोड़ा सा ऑयल जाएगा, आप इससे कम भी ऑयल डाल सकते हैं, वो मेरे से थोड़ा सा शायद हो सकता है ज़्यादा डल गया। ये बहुत कम ऑयल में बन के रेडी हो जाती है, बिना ऑयल की ये दाल है। देखिए, इसमें मैंने लहसुन का तड़का ऐड कर दिया, आपको जितना लहसुन आना है उतना डिप हो जाए और वो लहसुन मेरा रोस्ट हो जाए, अच्छे से भून जाए। अब इसमें जो ऐड करना है वो हमें नॉर्मल वाटर, पानी नॉर्मल वाटर ऐड करना है। देखिए, अभी मेरी गैस फुल थी, मैंने इसको कहते लहसुन को वो कर लिया, भून लिया। मैं इसको बंद कर लूँगी क्योंकि मैंने इसमें पानी ऐड करना है। पानी ऐड करते समय ही सावधानी रखनी है क्योंकि छींटे ऊपर आते हैं कहते हैं। तो मैंने गैस बंद कर दी है और मैं आराम से इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करूँगी। ये देखिए, स्मूथली पानी ऐड करना है इसमें, जो कि छींटे, क्योंकि तेल में अगर पानी गिरता है तो पटाखे से बचते हैं, वो ना हो। और अच्छे से इसको बॉईल आने देना है बहुत अच्छे से। और इसमें मैं सिर्फ 2 मसाले ऐड करूँगी, नमक और धनिया। लोहे की कढ़ाई में बन रही है और ये बन्नी ब्लैक ही है,
तो इसमें हल्दी ऐड नहीं करेंगे। और मिर्च हम ऑलरेडी हरी मिर्च पीस चुके हैं। अब देखिए ये कितनी हमारे स्टमक के लिए कितनी हेल्थी होने वाली है, हमारे स्टमक को एकदम। अगर कभी भी हमारे तो अगर लंच में अगर क्या लगा कि हाँ भी कोई और दाल खाने का मन नहीं है, तो हम सिर्फ इसको गांव में अगर इसको पीस के जो बनता है उसे बोलते हैं डुबुक। दाल गोहत की और जो बन के तैयार होती है दाल उसे बोलते हैं डुबुक, और गढ़वाली भाषा में इसे फोनी बोलते हैं आई थिंक। देखिए मेरे पानी में बॉइलिंग आ चुकी है अच्छे से। अब मैं इस जब पानी में बॉइलिंग आ जाए इस समय मैं अपनी दाल इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए दाल ऐड करूँगी और दाल को अच्छे से मिक्स करना है। आप मिक्सी में भी थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि वो दाल उसमें पूरी चिपकी हुई है, तो हम पानी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, आप हाफ ग्लास से भी कम पानी को लेकर उसमें अच्छे से वो दाल निकाल लीजिए, जो कि दाल हमारी वेस्ट ना जाए। और मैं इसको अच्छे से घुमाते हुए, आपको स्टार्टिंग में तो लगेगी ये बहुत गाढ़ी बन रही है, बहुत थिक हो गई है, लेकिन जैसे जैसे ये पकने लग जाएगी ये खुद लाइट होने लग जाएगी। इस ये देखिए अभी कितना इसका टेक्सचर दिखाती हूँ मैं आपको, कितना हैवी लग रहा है, बहुत हैवी लग रहा है, और धीरे धीरे ये अपने आप ही ब्लैकिश कलर होने लग जाती है। और जो साइडों में जो इसकी मलाई सी आपको दिख रही है इसको भी निकालते रहिए और इसको चलाते रहिए। आप पाँच मिनट बस को ढक्कन लगा के रख दीजिए और उसको चलाते रहिए, और देखिए धीरे धीरे ये अपने आप लाइट होने लग जाएगी दाल। और लग रहा है आपको फिर भी ये कि राइस खाने के लिए थोड़ी सी हैवी लग रही है, मोटी लग रही है, तो आप थोड़ा सा हाफ ग्लास के करीब इसमें पानी ऐड कर दीजिए, नहीं तो सफिशियंट है, ये अपने आप पतली हो जाती है। अब मैं इसको पकाने के लिए छोड़ दूंगी। इसको मैंने अच्छे से वो कर लिया है, मैं ढक्कन लगा के रख दूंगी 10 या 15 मिनट बाद। आप करछी को कढ़ाई में ही रहने दीजिएगा, क्योंकि इसका जो नीचे तला है वो लगने की कोशिश दाल लग जाती है, तो इसको हमें बार बार देखना पड़ता है। तो अच्छे से निकाल दीजिए साइडों से भी और नीचे से भी, जो कि असली जो साइडों में मलाई लग रही है दाल की जो वो है वो इसके साथ मिक्स हो जाए। अब मैं देखिए नीचे से भी अच्छे से वो दाल को जो चिपक गई है उसको निकाल लूँगी, और धीरे धीरे ये दाल हमारी ऐसी पक जाएगी और एक ब्लैकिश देखिए ब्लैक कलर इसमें आने लग गया है। ये इतनी टेस्टी होती है चावल के साथ लंच, उत्तराखंडी लंच डुबुक और भात तो बहुत फेमस है। ये देखिए दाल कितनी, अब देखिए ये अपने आप पतली हो चुकी है, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। पहले स्टार्टिंग में इसका टेक्सचर देखिएगा कितना कितना हैवी था, कितना थिक था, और ये अपने आप देखिए कितनी लाइट हो चुकी है। ये बहुत हेल्थी दाल है, आप इसका एक बार बना के देखिएगा। ये तो दिल्ली में भी दाल तो दिल्ली में भी अवेलेबल है, आप कभी भी पहाड़ वगैरह साइड घूमने जाए तो इसको जरूर लेके आइएगा। ये देखिए दाल मेरी बन के रेडी है, उत्तराखंडी डुबुक। आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। देखिए कितनी टेस्टी और यम्मी दाल लग रही है। चावल और डुबुक का कॉम्बिनेशन बहुत औसम होता है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।